गीता जयंती पर ग्रीन पाथ स्टेडियम में आयोजित हुए योग व गीता पाठ के लिए महीनों से भव्य तैयारियां चल रही थी। आज कार्यक्रम का समापन लोगों की भीड़ एकत्र हो पाई और कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। गीता पाठ के कई जिलों से विद्यालयों और छात्र छात्राएं, धार्मिक संगठन, NGO, सामाजिक संस्थाओं के साथ आम नागरिकों को शामिल होने का कार्यक्रम में 1,00,000 लोग एक साथ सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने का दावा भी किया गया था, जिसको परखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आने की बात कही गई थी, मगर 10,000 का आंकड़ा भी पार ना हो सका। जबकि कार्यक्रम में महामंडलेश्वर कैलाशानंद महामंडलेश्वर साध्य निरंजन ज्योति ने शिरकत की। कार्यक्रम की ओर से आकर्षित बनाने के लिए महाभारत सीरियल के श्री कृष्ण का किरदार निभा रहे नीतीश भारद्वाज ने भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। साथ रहे जो अध्यात्म से भी जोड़ता है, भक्ति से भी जोड़ता है और कर्तव्य से भी जोड़ता है। आज क्रिकेट ग्राउंड से गीता का संदेश पूरे देश में जाएगा, दुनिया में। देखो आज जिन्होंने महाभारत को चरितार्थ किया एक इस युग में, ऐसे नीतीश भारद्वाज जी का उद्बोधन आपने सुना, और मैं भी कहती हूँ कि गीता हमें पलायन नहीं सिखाती, गीता हमें कर्तव्य के रास्ते पर लाती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।